तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के नेता ने बड़ी घोषणा, बड़ी सौगात के तौर पर की है। तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणा के तौर पर कहा गया कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। पहली कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव ने पहली कलम से युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि 50,000 पुलिस वाले भर्ती किए जाएंगे बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव ने दरअसल ट्वीट करके इन घोषणाओं को कुछ इस तरीके से जनता के सामने रखा। तेजस्वी यादव ने लिखा कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बिहार में 4,50,000 जो रिक्त पद हैं, जिसमें कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। इन तमाम रिक्त पदों को आरजेडी की सरकार बनने के बाद में तेजस्वी यादव ने यह वादा किया है कि हम उसे भरेंगे, नौकरियां देंगे।